अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, हर चीज़ फास्ट फास्ट देखती है, और स्पेशली वो चीज़ें ज़्यादा फास्ट देखती है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। तो ड्रामा जो होता है वो हमेशा ऐसे ही होता है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, वो लोग बड़ी दिलचस्पी देखते हैं। बेशक कुछ भी आप लोग ले लो, कोई भी ड्रामा ले लो, आप साउथ कोरिया का ड्रामा देखोगे तो उसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। लोग हर एपिसोड का इंतजार करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यही ट्विस्ट एंड टर्न्स ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ड्रामे में ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है तो वो ड्रामा एक स्मूथ लाइन है, उसमें फिर मज़ा नहीं आता बंदे को देखने में, क्योंकि उसको सारी स्टोरी पता होती है कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा, अच्छा ये होगी एंडिंग, इससे होगी, उससे होगी शादी, ये वाला। अब जो हम ड्रामा देख रहे हैं, यमुना का नया आया है, जिसमें यमुना नशमा बनी है और एक वकील बनी है। मतलब तेरे बिन की जो उनकी ख्वाहिश थी वकील बनने की, वो इस ड्रामे ने पूरी कर दी, उनको वकील ही बना दिया असली में। तो ये जो है ना, अच्छा एपिसोड में यही दिखाया कि नशमा जो है वो एक लॉयर बनना चाहती है, मतलब प्रैक्टिस करना चाहती है। उसकी दादी बड़ी खड़ूस है, वो उसके आड़े आती है हर वक्त, और वो उसकी माँ से बड़ी बदतमीजियाँ करती है। बाप को नहीं दिखाया, शायद बाप जिंदा है या नहीं, ये नहीं पता। बहरहाल आगे की कहानी ये है कि वो कज़न के साथ उसकी शादी होने वाली है, पर वो जो कज़न है वो ज़रा अच्छे लक्षण नहीं है, उसके अलग किस्म के लक्षण है। अमार नाम है शायद कज़न का। फिर बोहरान की एंट्री होती है, जो उसामा है वो एक बड़ा बड़ा जाना माना वकील है, और अभी ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे, और इनमें से जो जीतेगा वो एक दूसरे का दिल जीतेगा। फिर आगे जाके कहानी कुछ और ही हो जाएगी, और जो कज़न से शादी का जो मूड है वो रह जाएगा, और किसी और से शादी हो जाएगी यमुना की, मतलब नशमा की, बुरान के साथ ही होगी, जाहिर सी बात है। तो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी से हैं। तो पहली एपिसोड तो बड़ी अच्छी गई है, तो जब मैं बोलता हूँ जब पहली एपिसोड अच्छी गई, फिर तो सब चीज़ें अच्छी ही जाती हैं, फिर कोई ढलान नहीं आती। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ी सी एपिसोड हो जाती है, पर ये नहीं है कि बेकार हो गई। मतलब अच्छी स्टोरी है तो फिर मजे ही मजे। तो मैं तुम लोग को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर कहानी में दम है तो फिर तो हर चीज बल्ले बल्ले, कहानी में दम नहीं तो फिर तो हो गया काम। तो अब जैसे जेंटलमैन था, जेंटलमैन में ट्विस्ट एंड टर्न्स थे ही नहीं। वो पता था अच्छा ये उसको जो है क्या कहते हैं विलन को मारेगा मुन्ना, फिर उसके बाद मुन्ना की जो है एंड में जो दिखाया, उसके बाद एंड में ट्विस्ट डाला, लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ड्रामा खत्म हो गया। क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न से ड्रामे चलते हैं। अब मैं इसकी मिसाल वही अपना फेवरेट ड्रामा जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है तेरे बिन की दूंगा, कि तेरे बिन जो है उसमें जब सबको पसंद आ रहा था, पर वो जो ट्विस्ट था जो आप लोगों को पता है एपिसोड 47 का, जिसमें ये जो मीरब के साथ मुर्तसम खान कर देता है, समझ रहे हो ना, तो वो वाला जो है वो एक ट्विस्ट था जिसकी वजह से ड्रामा एक बड़े अलग लेवल पे पहुंच गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स ही इंसान को चेंज करती हैं। अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स ड्रामे में ना हो तो ड्रामा बेकार होता है। पर ये जो कर्ज़े जहाँ जो है, ये इसमें मुझे पोटेंशियल लग रहा है, बहुत अच्छा जाएगा ड्रामा। और हम वालों को शायद ये पता चल गया है कि भाई अब तो ऐसे ड्रामे बनाने पड़ेंगे ताकि फिर उनका भी एक नाम हो, जैसे जियो वाले कर रहे हैं आजकल ना ड्रामे, उनमें जो सस्पेंस होता है। अब तुम लोगों को पता है जानिसार में भी कितना सस्पेंस था, आगे जाके कितना सस्पेंस आगे पीछे किया, तो वो ड्रामा अच्छा चला। जो सस्पेंस नहीं होगा, अब अगर सुन मेरा दिल में भी अगर लोग सस्पेंस डाल देते ना, मैं कहता हूँ सुन मेरा दिल को कामयाब होने से जबरदस्त किस्म का कोई नहीं रोक सकता। अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स स्मूथ लाइन है, वही शादियां हो रही है, वही उसको तोड़ना चाह रहा है ये वगैरह, वो मजेदार नहीं देता, वो हम देख चुके हैं बहुत बार। पर क्योंकि हम कह रहे हैं कि अभी सुन मेरा दिल में पोटेंशियल लगता है हो जाएगा, तो हो जाएगा, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। बहरहाल तुम लोग को इस बारे में क्या कहना, तुमको यमुना का जो पहला ड्रामा है आफ्टर तेरे बिन और जेंटलमैन कैसा लगा, तो अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट सेक्शन में देना, अच्छी राय देना। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में।